रिएक्टर है, इसमें कैटलिस्ट की मदद से प्लास्टिक को एक सर्टेन टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। उस प्लास्टिक का सॉर्टिंग किया जाता है, ग्रेडिंग किया जाता है और उसके बाद इसको इसमें कैटलिस्ट के साथ हीट किया जाता है। उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है, तब जाकर ये इतने सारे बाय प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो पाता है। अभी अब 300 लीटर पर शिफ्ट का उत्पादन हो रहा है और एक दिन में लगभग 600 लीटर का उत्पादन हम लोग कर रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है, ये आशुतोष मंगलम है, इन्हें आप पहचानते होंगे। हमने आपको खबरें दिखाई थी किस तरीके से महज 6 रुपए के प्लास्टिक कचरे से, यही वो प्लांट है, बायोडीजल प्लांट है, जिसके माध्यम से ये तैयार करते हैं। 62 रुपए में डीजल दे रहे हैं, महज 62 रुपए में। सुनकर आश्चर्यचकित नहीं हुई है, क्योंकि ये पहले भी हमने आपको खबरें दिखाई थी। और ये युवा है और कहाँ से ये आया? और बेसिकली ये आइडिया जो था वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का था। 2019 में प्रधानमंत्री जी ने पराली और प्लास्टिक का समाधान युवाओं को करने को कहा था। हमने पराली और प्लास्टिक इन दोनों का जो समाधान निकाला, ये उस समय का आइडिया था 2019 का। जो प्रोसेस है वो थर्मोकैटालिटिक डीपॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, जिस प्रोसेस की मदद से प्लास्टिक कचरे को अलग अलग फॉर्म के पेट्रोकेमिकल में कन्वर्ट किया जाता है, जिसका एक बाई प्रोडक्ट अल्टरनेट फ्यूल होता है, जिसको हम लोग अल्टरनेट डीजल भी कहते हैं, और उसको फिर हम लोग आगे कवर करते हैं। जैसे ये मतलब आप जब हम आए थे तो बहुत छोटा सा था प्लांट और 150 लीटर आप तैयार करते थे, आज तो ये बड़ा प्लांट हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि जब हम एक छोटे से यूनिट के ऊपर रिसर्च में थे तब, और उसके बाद जब हम आगे बढ़ना शुरू किए, अलग अलग साइंटिस्ट के साथ हमने इन सारे चीज़ों को कवर किया। जो प्रोसेस थर्मोकैटालिटिक डीपॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है, वो एक वेल नोन प्रोसेस है, जिस प्रोसेस की मदद से हम लोग इस पूरे प्रोसीजर्स को कवर कर रहे हैं, और उस प्रोसेस की मदद से हम लोग इस बायोफ्यूल कहें, अल्टरनेट फ्यूल कहें, इसके रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं। कैसे, इसमें कुछ जानकारी दीजिए, किस तरीके से ये काम करता है? ये जो हमारा रिएक्टर है, इसमें कैटलिस्ट की मदद से प्लास्टिक को एक सर्टेन टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। हीट करने के बाद उस प्लास्टिक के जो वेपर्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको कंडेंस करके प्लास्टिक हम लोग रैक पिकर्स से, जो कूड़े बिनने वाले लोग हैं, उनसे खरीदते हैं, लगभग 6 रुपए प्रति किलो, 6 रुपए प्रति किलो, महज 6 रुपए में हम उसे खरीद। उसके बाद उस प्लास्टिक का सॉर्टिंग किया जाता है, ग्रेडिंग किया जाता है, और उसके बाद इसको इसमें कैटलिस्ट के साथ हीट किया जाता है, लगभग 6 से 8 घंटे के लिए, एक निश्चित तापमान पर और एक निश्चित प्रेशर पर। उसके बाद हम लोग उसको क्रूड में कन्वर्ट करते हैं, जो कि क्रूड आगे जाकर फिर डिस्टिल होता है, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है, तब जाकर ये इतने सारे बाय प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो पाता है। उत्पादन अभी अब 300 लीटर पर शिफ्ट का उत्पादन हो रहा है और एक दिन में लगभग 600 लीटर का उत्पादन हम लोग कर रहे हैं। 600 लीटर, और आज जब अभी इसका नया वाला फेज का उद्घाटन हुआ है, तो हम लोग 600 लीटर का जो टारगेट है वो पूरा करना शुरू कर दिए हैं। जी, इसको लगभग जो यहाँ के जितने भी फार्मर्स हैं, लोकल ऑपरेटर हैं, आज के डेट में डिमांड इतना आ गया है कि हमारी सप्लाई कम पड़ गई है। डिमांड इतना आ गया है क्योंकि ये जितने भी हेवी व्हीकल्स हैं, जितनी अगर आप डीजल का सबसे ज़्यादा खपत देखें तो वो हेवी व्हीकल्स में है, और हेवी व्हीकल्स के लिए ये एक परफेक्ट फ्यूल बनता जा रहा है। आप इसको जितना ज़्यादा डिस्टिल करेंगे, जितना ज़्यादा रिफाइन करेंगे, ये उतना ही अच्छा। लोगों को विश्वास नहीं होता है, उनको नहीं, अब भारत सरकार ने बकायदा गजट निकाल कर वेस्ट प्लास्टिक को ऑयल कन्वर्जन से जो प्रक्रिया है, जिससे प्लास्टिक का एंड ऑफ लाइफ सर्टिफाई किया जाता है, उस प्रोसेस में इसे हरी झंडी दिखा दी है। पीएमओ से भी हमें चिट्ठी आई थी, हमारे इस काम का सराहना किया गया था, और जो थर्मोकैटालिटिक डीपॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, अब वो अलग अलग जगह पर कमर्शियलाइजेशन करने के लिए भी शुरू कर दिया। केंद्रीय मंत्री आए थे तो केंद्रीय मंत्री ने देखा और कहा कि ऐसे प्लांट और भी जगह लगे, इसको लेकर प्रयास किया जाएगा। नहीं, जैसे हम लोगों ने इस पूरे प्रोसेस को कवर किया,
तो जब हमने इस पूरे प्रोसेस को कवर किया तो हमने इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट किया है, और उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को कवर करने के लिए हम लोगों ने ये पूरा सिस्टम तैयार किया है, और उस पूरे सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करे, ये पूरा सिस्टम तैयार किया गया है। पराली से मशरूम उत्पादन के बाद मेडिसिनल मशरूम का उत्पादन, उस मेडिसिनल मशरूम उत्पादन के बाद में जब हम लोग आते हैं तो उसका फूड सप्लीमेंट तैयार किया जाता है। फूड सप्लीमेंट के बाद उस मशरूम उत्पादित कचरे से और शहर से जो हमें फूल मिलते हैं उनसे निकाले गए कलर पिगमेंट अरोमा से बनाया जाता है यहाँ पर CBG कंप्रेस्ड बायोगैस, जो कि एक एनर्जी का फॉर्म रहता है। इस प्लांट को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अन्य जगहों पर ये पूरा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जिसके बारे में ये कहा गया है कि ये एग्रीकल्चर वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट, और सबसे बड़ा तो ये है कि एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा पार्ट बन गया है। तो ये अब कृषि के का जो एक सपना है, सपना रुपए में जो फ्यूल को जो 62 रुपए लीटर में अब इसको महज 62 नहीं जो मार्केट है और हमारा जो इनपुट कॉस्टिंग है उसमें डिफरेंस हमें बहुत आ जाता है। तो हम आमदनी होती है बिल्कुल बहुत अच्छी आमदनी, आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो लगभग 40 से 50 रुपए के बीच में रहता है। 40 और 50 रुपए में ये डीजल तैयार करते हैं और 600 लीटर हर रोज यहीं से तैयार होता है, और आसपास के किसानों को इससे सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि आसपास के किसानों को ये महज 62 रुपए में मिलता है। और इन युवाओं ने, अच्छा युवाओं को लेकर क्या कहेंगे? युवाओं को लेकर बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपने मेहनत पर भरोसा कीजिए, अपने कठिन परिश्रम पर भरोसा कीजिए, सफलता खुद ब खुद मिल जाएगी। आपने सुना कि इन्होंने क्या कुछ कहा, कई सारी बातों को कहा, इसकी तारीफ PMO ने भी की है और बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के भी कई मंत्री इस प्लांट को देखने आ चुके हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर कुछ को लाइक करिए।